इस वाले गेम प्ले में मैं मिलिट्री बेस पे उतरने का फैसला ले लिया था, लेकिन उतरने वक्त ऊपर देखा तो भाई बहुत ही बंदे थे भाई, बहुत ही बंदे थे। बोलूँ तो अंदर से कुछ डर सा लगने लग रहा था, क्या होगा, ऊपर से मैं सोलो हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे जब अंदर घुसा तो मैं पहला बंदा था जिसको डीपी मिला था। हॉट ड्रॉप पे उतरने का एक ही फायदा होता है, जो बंदा पहले उतर गया या जिस बंदे को पहले गन मिल जाता है वो बंदा यहाँ का शेर बन जाता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही सीन हुआ था, मुझे उतरते ही डीपी मिल गया था और आप उसके बाद देख ही सकते हो। सो गाइज, आप लोग का अगर हॉट ड्रॉप पे ही उतरना चाहते हो तो कोशिश करो कि पहले उतरो आप, नहीं तो दूसरे बंदे को गन मिल गया तो आपका ही पुंगी बजा देगा वो। सामने इस स्क्वाड का एक बंदा बहुत ही उछलने कूदने लग रहा था, तो हम सोचने लग रहे थे उस बंदे को कैसे टपकाया जाए। और तभी बाजू से एक फुटप्रिंट का साउंड मिला मुझे और जाके देखा तो फिलहाल के लिए इस बंदे को हम नॉक ही छोड़ देते, क्योंकि ये भाई अलग स्क्वाड का है और इसके टीममेट कहाँ पे ये भी मुझे पता करना था। और जिस बंदे को मैं ढूंढ रहा था उसको इसने ऊपर ही पहुंचा दिया। कुछ देर बाद यहाँ पे हमें एक बॉट भी मिल जाता है, और पहले उस बंदे को हम ढूंढ रहे थे जिसको हमने नॉक किया था, लेकिन वो भाई रिवाइव देने के चक्कर में यहीं पे ही डिब्बा बन गया। और दूर से उसका टीममेट भी इसको बचाने आ रहा था, लेकिन उसको भी हमने देख लिया और नॉक कर दिया। इससे पहले कि मेरा किल कोई और चुरा ले जाए, इस बंदे को फिनिश करते। और मेरे पास सामान वगैरह कुछ कम था तो यहाँ से थोड़ा सा शॉपिंग वगैरह कर लेते हम। उसके बाद सिविल लिंक के ओर से कुछ गोलियों की आवाज़ आने लग रहा था, तो मैं इस तरफ आ गया और आते ही सामने एक बॉट दिख गया मुझे। और बॉटों को मारने में भाई बहुत ही मज़ा है, आप भी मारते होंगे तो कमेंट पे ज़रूर बताना आप बॉट ज़्यादा मारते हो या रियल एनिमी। और जो भी ये वीडियो देख रहे हो अगर पसंद आए तो एक लाइक, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। 2 hours later तकरीबन 2 घंटे तक हम यहाँ पे बैठे हुए थे, लेकिन उसके बाद भाई 2 फुटस्पिन होने लग रहा था इस बिल्डिंग से, और इस बाजू वाले बिल्डिंग पे भी बंदे थे, तो हमने डिसाइड किया पहले इसी को ही टपकाया जाए। और यहाँ पे फुटस्पिन एक ही मिल रहा था। लो, यहाँ पे इस बंदे को शायद लग रहा था मैं सामने की ओर से आऊँगा, लेकिन इसके साथ ही पूरा स्कैम हो गया। तभी बाजू वाले 2 बंदे मेरे ऊपर ही राश करने चला आया सीधा, और मैं उन दोनों से छुप रहा था, लेकिन देखते हैं वो लोग हमें कब तक ढूंढ पाते। और आगे का सीन बहुत ही खास होने वाला है तो ज़रूर देखना। 1 hour later कुछ देर तो हम यहाँ पे बैठे हुए थे, लेकिन आगे का सीन भाई बहुत ही तगड़ा हुआ, तो क्या हुआ आप ही देख लो। बेटे ओ बेटे माज कर दी, हाँ माज कर दी, वाह बेटे वाह। तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों आप लोग देख ही चुके होंगे, तो कभी भी ओपन में ऐसे बॉट वगैरह मरने मत जाओ, नहीं तो पीछे से कोई कहाँ से आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। उन बंदे को टपकाने के बाद यहाँ से कोई फायर देने लग रहा था मेरे ऊपर, लेकिन हम उसको नहीं देख पा रहे थे, आखिरकार उसको देख लिया हमने। और ये भाई बहुत ही भागने की कोशिश में था लेकिन नहीं भाग पाया, तो मैं उसके डिब्बे लूटने आया तो सामने और भी बंदे मिल जाते हैं हमें जो आपस में फाइट कर रहे थे, लेकिन हम भी पीछे से थर्ड पार्टी कर देते। ये बंदा भाई किसी के ऊपर स्मोक वगैरह फेंक रहा था बचाने के चक्कर या लूट वगैरह करने की कोशिश में था, लेकिन उस पहले ही उसको डिब्बा चमक गया। अब यहाँ पे हम समझ रहे थे कि सामने और भी बंदे होंगे, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं था, तो इसलिए हम ब्रिज के उस पार जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन भाई यहाँ पे मेरे लिए चारों के चार बंदे खड़ा था सामने, और इससे बच पाना भाई बहुत ही मुश्किल था, ऐसा ही लगा हमें। ऊपर से ये लोग ओम एम के सभी चला रहा था, तो देखते हैं आगे क्या होता है।
यहाँ पे ये वाला बंदा बहुत ही तगड़ा वाला शॉट्स दे रहा था नीचे से, लेकिन हम भी इन स्क्वाड के दो बंदे को नॉक किया था। फाइट बहुत ही बढ़िया था और गेम प्ले भी अच्छा था। चिकन डिनर तो सभी दिखाते, जो असली गेम प्ले होता है मैं सिर्फ वही दिखाता हूँ। ऊपर से मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड भी खेलता हूँ। मेरा वीडियोज़ आप लोगों को अगर पसंद आते हैं तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। बाय बाय।